मिनिस्टर कुलदीप धालीवाल जी साढ़े नाल ने गलबात कराएंगे, पीयू के वाइस चांसलर भी साढ़े नाल हैगे ने, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम हैगा। एनआरआईज व्यावां तमाम धोखाधड़ी हुंदी है, उसनों लैके सीजीसी झंझेड़ी पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ पंजाब यूनीवर्सिटी पटियाला वालों एक ऑर्गेनाइज करवाया गया प्रोग्राम, जरूरी भी है। धालीवाल साहब किस तरह देखते हो एनआरआईज के बहुत धोखेधड़े वाले केस आते हैं व्यावां? देखो अज का प्रोग्राम बहुत वधिया सीगा, नैशनल वूमेन कमीशन ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एक कालजेज वाले धालीवाल साहब वीसी साहब बहुत अच्छी विचार हुई और यदा एको एक हल है जो ने शुरू किया कि लोगों को जागृत किया जाए। सर एक तुसी बहुत वधिया गल कर रहे सी प्रोग्राम के दौरान कि सौदेबाजियां ना करो व्याहां दे विच। बिल्कुल, ये जो एन आर आई लाड़िया का पंगा ना ये एक्चुअली जो सौदेबाजियां ना कुड़ियां मुंडे गए उन्हां दा पंगा, जो अपनी लियाकत ना गए उन्हां दा पंगा बहुत घट हुंदा, और जो पढ़ लिख के गए धालीवाल साहब तो उत्थों आए जो उत्थे पढ़े लिखे कुड़ियां मुंडे जे मान लो उन्होंने कितने सैपरेट होना भी है तो बड़ा ईजी जाके कोर्ट च कह देंगे ठीक है जी ओके तू अपना कर ला मैं अपना कर। सर फिर यूथ कहता है कि एम्पावरमेंट इतने दो सौ इंप्लॉयमेंट इतने जनरेट करो। बिल्कुल, मैं ही कहा कि पहलियां सरकारों ने ये कुछ नहीं किया, हुण सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार ये बारे मतलब कम करूगी ता जो लोग जो मतलब जहाजा से चढ़ने की जो कॉल है वो काल जी रोकी जाए थोड़ी घटाई जाए। ठीक है, तो सर जो पुराने पेंडिंग केस है उन्होंने भी जो कदम चुके जाएंगे? बिल्कुल, वो तो चुकेंगे, वो जो पेंडिंग केस एन आर आई वीरां दे पए आ, भैणां दे पए, साडियां धीआं दे पए, वो सारे केस असीं चुकांगे। सर जदों हरियाणा ने विधानसभा लई जमीन मंगी बहुत मुद्दा गरमाया, केंद्र सरकार ने तो अनाउंसमेंट कर दिती, लेकिन जदों फिर सीएम साहब ने कहा कि सानू भी अलग जमीन चाहिए, अकाली दल ने बहुत सवाल चुके, कहिंदे तुहाडे तां पहले ही राइट्स हैगे ने, विधानसभा अपनी है, हाई कोर्ट अपना है, तुसीं सरेंडर कर रहे हो राइट? कोई नहीं, तुसीं अज सेमिनार दीआं गल्लां करो ना, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅੰਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੋਲੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।